साथियों, स्वच्छ कुंभ ऐसे समय में हो रहा है जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। गांधी जी ने तो करीब 100 वर्ष पहले खुद स्वच्छ कुंभ की इच्छा जताई थी जब वो हरिद्वार कुंभ में गए थे। देशवासियों के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान अपने तय लक्ष्यों पर तेजी से बढ़ रहा है। इस साल 2 अक्टूबर से पहले पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और मैं समझता हूं प्रयागराज के आप सभी स्वच्छाग्रही पूरी देश के लिए बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आए हैं। भाइयों और बहनों, साफ सफाई की जब बात आती है तो इस बार कुंभ आने वालों में मां गंगे की निर्मलता को लेकर भी खासी चर्चा है। बीते 1-1.5 महीने से तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अनुभव जान रहा था। आज इसका अनुभव मैंने खुद ने किया है। मैं पहले भी प्रयागराज आता रहा लेकिन इतनी निर्मलता गंगा जल में पहले नहीं देखी। साथियों, गंगा जी की ये निर्मलता नमामि गंगे मिशन की दिशा और सरकार के सार्थक प्रयासों का भी उदाहरण है। इस अभियान के तहत प्रयागराज गंगा में गिरने वाले 32 नाले बंद कराए गए हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से गंगा नदी में प्रदूषित जल को साफ करने के बाद ही प्रवाहित किया गया। साथियों, इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नमामि गंगे के लिए अनेक स्वच्छाग्रही तो योगदान दे ही रहे हैं, आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व मैंने भी इसमें छोटा सा योगदान दिया है। सियोल प्रेस प्राइज के तौर पर मुझे वहां जो राशि मिली, धन मिला, करीब करीब 1,30,00,000 रुपया जितनी राशि मुझे मिली, उस राशि को मैंने अपने पास नहीं रखा, मेरे लिए नहीं रखा, वो मैंने नमामि गंगे मिशन के लिए समर्पित कर दिया है। बीते 4.5 वर्षों में प्रधानमंत्री के नाते मुझे जो उपहार मिले हैं उनकी नीलामी करके भी जो कुछ मुझे मिला है वो भी मैंने मां गंगा की सेवा में समर्पित कर दिया है।